सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन एवं वेलकम इन क्रिएटिव कॉमरेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने दो वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और इन दोनों वीडियो में हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे यूपीएससी के थ्रू पूछे गए हैं। और वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि आपने काफ़ी कुछ नया सीखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक्चुअली ये टिक इसलिए है क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा था लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो बंद हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 136 जो दोनों लैंग्वेज में दिया है तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जो भी रिजल्ट आपके सीपीयू में जो एलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जब कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स, वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? आपका एक्यूमुलेटर में, ठीक है ना। रिजल्ट आपका कहाँ स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर मे बी डी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात तो हम समझते हैं रजिस्टर क्या है। एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है ना। एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट एंड स्टोर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका सीपीयू है, ठीक है ना। सीपीयू है तो सीपीयू में क्या हो गया, आपका एएलयू हो गया, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। उसके बाद हो गया आपका रजिस्टर, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका रजिस्टर के नीचे हो गया मान लीजिए कंट्रोल यूनिट। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी है। अब देखिए, ये जैसे आपका एएलयू जो है क्या है, वो एक माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है, ठीक है ना। अभी देखिए काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो ये जो रजिस्टर, जब जैसे मान लीजिए आपका ALU अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है वो ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है, ठीक है ना। ऑपरेशन उसको परफॉर्म करना है तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी उसे कुछ मेमोरी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए जो पहली मेमोरी होती है, जो टाइप ऑफ रजिस्टर है, देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करने के लिए जितनी भी मेमोरी या स्टोर करने के लिए जितनी भी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सी मेमोरी होती है? वो रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है ना। देखिएगा, तो जो पहला जो इसमें रजिस्टर होता है, रजिस्टर के टाइप में, वो क्या होता है? GPR, जर्नल पर्पज रजिस्टर, ठीक है ना। तो इस जर्नल पर्पज रजिस्टर इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जर्नल पर्पज रजिस्टर का यूज हम किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नहीं करते, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका ये जर्नल पर्पज रजिस्टर हो गया। उसके बाद आता है आपका एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या है कि एक्यूमुलेटर जो भी ऑपरेशन एएलयू ने परफॉर्म किया उसके रिजल्ट को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? एक्यूमुलेटर पे, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर पे वो रिजल्ट स्टोर होगा। उसके बाद कहाँ हम आते हैं? स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर एक्चुअली क्या है? एक अरे है। अरे मतलब इसमें एक लिफो होता है। लिफो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि ये लिफो सीरीज को फॉलो करता है। इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका जनरल पर्पज रजिस्टर हो गया, फिर आपका एक्यूमुलेटर हो गया, फिर आपका स्टैक हो गया। स्टैक के बाद आता है आपका काउंटर, ठीक है ना। काउंटर का यूज क्लॉक करने के लिए, ठीक है ना। काउंटर आता है उसके बाद आपका MR आता है, मार्क मतलब क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद आपको क्या आता है? MBR होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, और एक MDR भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका आता है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फाइनल में आता है, ठीक है ना। अब देखिए हर एक रजिस्टर का यूज क्या है। जो हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर है उसको वो क्या करता है? उसका यूज किसी भी स्टोरेज के लिए नहीं किया जाता, ठीक है ना। जनरल पर्पज रजिस्टर इज अ रजिस्टर विच इज नॉट यूज फॉर एनी टाइप ऑफ स्टोरेज। अब आपका ALU ने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है? स्टैक में जाता है, ठीक है ना। स्टैक उसको क्या करता है? स्टैक उसको एक्चुअली ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है ना। ऑर्डर डिसाइड करता है कि कौन सा
कौन सा बिट पहले प्रोसेस होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या आता है, काउंटर आता है, ठीक है ना। काउंटर के बाद हमारा आता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या काम करता है, ठीक है ना। ये प्रो काउंटर के लिए पीसी काउंटर होता है, ठीक है ना। तो ये जो काउंटर को हम छोड़ते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पर आते हैं। तो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, जैसा ही इसमें लिखा है कि एड्रेस एड्रेस, ठीक है ना। तो ये जो एड्रेस का इन्फॉर्मेशन है, जो एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करता है, ठीक है ना। अभी आप ऊपर ऊपर का जान लीजिए, क्योंकि डीप में जाएंगे तो फिर ज़्यादा बताना पड़ेगा मुझे भी, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्या करता है, एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है ना। लेकिन ये सब टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका आता है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर रजिस्टर मिल जा मान लीजिए कि जैसे आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। एडिशन हो रहा है तो उस समय एडिशन करने के लिए भी हमें एक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो उस मेमोरी को क्या बोलेंगे, बफर हो रहा है, क्योंकि बफरिंग हो, क्योंकि वो प्रोसेसिंग स्टेट में जो स्टेज में जो मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी। तो ये क्या हो जाएगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब फाइनल फाइनल जब पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें फाइनल इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो किस एड्रेस पे स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ा रजिस्टर के बारे में देख लिया है। अब एक बात इसमें और बताना चाहूँगा, जो MAR होता है फ्रेंड्स, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो MBR होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर, वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाई अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो जैसे ही ALU ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, तो रिजल्ट कहाँ पर स्टोर हुआ, हमारा एक्यूमुलेटर पे, ठीक है ना। चलिए, कोई आपसे पूछ ले काउंटर का यूज क्या है, तो काउंटर क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है ना। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, वो एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है ना, एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रिस्टोर नहीं करता। तो याद रखिएगा, आपका जो काउंटर है वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है ना। जबकि आपका क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसको उसका एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, जो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन है, तो पहले चलिए आपको इस आप पे पेज क्लियर कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा, तो डिलीट कर इरेज कर देते हैं, ठीक है। अगर जो मैंने समझाया अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाती है। क्या बोल रहा है हमारा 137 का क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर सिस्टम ए 32-बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस। देखिए, जो 32-बिट एड्रेस बस है वो कितना लोकेशन एड्रेस करेगी, कितना लोकेशन मीन्स एक लोकेशन पे कितना स्टैक रजिस्टर करेगी। देखिए, ऐसे देखिए आप, यहाँ से एकदम बेसिक से इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको काम आ। जैसे मान लीजिए आपका ये ALU हो गया, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एक्चुअली क्या होता है, ALU एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। ALU क्या है, आपका एक माइक्रो प्रोसेसर। तो मान लीजिए ये आपका ALU है, ठीक है ना। अब ALU ने प्रोसेस किया, ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा प्रोसेस किया। तो इसके इसके बाद क्या होती है, तीन बस होती है। एक होता है आपका एड्रेस बस, ठीक है ना, एड्रेस बस। इसके बाद क्या होता है, एक आपका होता है बस डाटा, एक होता है आपका सेंट्रल बस, ठीक है ना, कंट्रोल बस, सॉरी कंट्रोल बस होता है शायद, हाँ कंट्रोल बस होता है, कंट्रोल बस होता है। एक होता है आपका एड्रेस बस, एक होता है आपका बस डाटा, एक होता है आपका कंट्रोल बस, ठीक है ना। देखिए, तो वही क्वेश्चन एड्रेस बस से रिलेटेड है, क्या पूछ रहा है, इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में 32-बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस। तो ये जो एड्रेस बस है वो कितने बिट, 32-बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस। तो देखिएगा एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बेसिक से बता दूं। जैसे मान लीजिए ये 32 बिट का इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना। अब ये 32 बिट का इन्फॉर्मेशन कितना स्टैक एक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, कितना स्टैक एक्यूपाई करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो
एड्रेस बस में, एड्रेस बस का जो भी होता है, जो जितना भी बिट वो प्रोसेस करेगा, तो कितना हमेशा कितना एड्रेस एक्यूपाई करता है, 2 की पावर जितना प्रोसेस कर रहा है, कितना प्रोसेस कर रहा है, 32 बिट। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 32 मेमोरी लोकेशन। तो 2 की पावर 32 मेमोरी लोकेशन एक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। चलिए तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रजिस्टर आर यूज्ड बाय सीपीयू टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, ठीक है ना। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, MDR एंड IR है, PC एंड IR है। PC मतलब काउंटर आपका, है ना। IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मैंने आपको शायद MDR का फुल फॉर्म नहीं बताया था ना। चलिए कोई नहीं, आगे बता देंगे। तो चलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रजिस्टर आर यूज्ड बाय CPU टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो जैसे ये आपका प्रोसेसर हो गया ALU, ठीक है ना, और आपका इधर क्या है, आपका रजिस्टर है। तो यहाँ पे रजिस्टर ही मेमोरी है आपका, है ना, आपका रजिस्टर ही मेमोरी है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 2 रजिस्टर आर यूज्ड बाय CPU टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो ऐसे कौन से रजिस्टर हैं जिनका यूज हम करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, प्रोसेसर से मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करने के लिए किनका किनका यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नहीं करते। उसके बाद हमारा क्या आता था, उसके बाद हमारा आता था एक्यूमुलेटर आता था, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होता है, हमेशा रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है ना। स्टोर रिजल्ट परफॉर्म्ड बाई ALU, तो ALU जो भी परफॉर्म करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, स्टैक पॉइंटर, कोई भी स्टैक पॉइंटर एक्चुअली ऑर्डर डिसाइड करता है, ठीक है ना, ऑर्डर डिसाइड करता है कौन पहले आएगा। इसके बाद आपका काउंटर क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था जो PC काउंटर वो क्या करता है, स्टोर द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। उसके बाद जो हमारा MAR है वो क्या करता है, स्टोर एड्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन का एड्रेस स्टोर करता है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आप देखिएगा बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। 2 रजिस्टर आर यूज बाई CPU टू ट्रांसफर द डाटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, ठीक है ना। अब आपने प्रोसेस कर दिया, ठीक है ना, डाटा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन अब उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, मेमोरी में ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। कहाँ ट्रांसफर करना है, मेमोरी में ट्रांसफर करना है। अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देता है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका राइट आंसर जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, PC एंड IR, ठीक है ना। एक्चुअली इसके आंसर के बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर आप इसका आंसर जानते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आंसर कर रहा हूँ इसका PC एंड IR, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईगो पे क्वेश्चन नहीं लेना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मीडियम यूज्ड इन ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा। देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम में रीडिंग डाटा को रीड एंड रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हाई एनर्जी विजुअल लाइट तो नहीं यूज होता, लेजर लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ब्लैक लाइट, तो ब्लैक लाइट भी नहीं यूज होता। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है लेजर लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट में, तो सिंपल से फ्रेंड्स इसका आंसर आप कर लोगे, ऑप्शन क्या है, लेजर लाइट। तो जब भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में डाटा रीड या राइट करने के लिए कौन सा लाइट यूज होता है, लेजर लाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट ए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ तक केवल मेमोरी तक ही नहीं सीमित है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा है UPSC ने। तो देखिए टच टेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है, मैं उसको बता देता हूँ तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पहले इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसमें कौन सा टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, रजिस्टिव टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, सरफेस इंडक्टिव सरफेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी,
कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, तो जबकि इंडक्टिव टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे कितने टाइप की टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होती हैं। जो हमारे जो पहली टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, रजिस्टिव टच, सॉरी रजिस्टिव रजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पहली हो गई, ठीक है ना। दूसरी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड्स, रजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, वेट अ मिनट, ये क्या है रजिस्टिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। तीसरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या होती है, इंफ्रारेड टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। चौथी क्या होती है हमारी, सरफेस एकॉस्टिक वेव टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, एकॉस्टिक वेव टेक्नोलॉजी। वर्चुअल टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। इसके बाद होता है ऑप्टिकल इमेजिंग। उसके बाद होता है आपका ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, रजिस्टिव टेक्नोलॉजी हाँ सही है, सरफेस टेक्नोलॉजी हाँ सरफेस भी सही है, कैपेसिटिव भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपका इंडक्टिव टेक्नोलॉजी मैंने कहीं नहीं बोला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इंडक्टिव टेक्नोलॉजी हमारी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन डी, HTTPS, ठीक है ना। अगर एस लगा है तो वो क्या है, अगर HTTP के साथ एस लगा है तो वो क्या है, सिक्योर है, ठीक है ना, ये ट्रिक है याद रखने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। तो देखिए जब भी आप क्रिप्टोग्राफी करते हैं तो कौन कौन सा एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी के फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो पहला एल्गोरिथम है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवेस्ट समीर एल्गोरिथम, रिवेस्ट समीर एडमेन ऐसा कुछ करके इसका फुल फॉर्म होता है, तो कभी पूछा जा सकता है, तो यार थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रिवेस्ट समीर एडमेन ऐसा कुछ होता है। दूसरा जो हमारा क्रिप्टोग्राफी है होता है वो क्या होता है आपका, डेफी हेलमैन की एक्सचेंज, जो ये लिखा हुआ है डेफी हेलमैन की एक्सचेंज, ठीक है ना। जो तीसरा क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी होता है वो क्या होता है आपका, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद जो हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है वो डीएसएस क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, डीएसएस मतलब डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। आरएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवेस्ट शेमिर एडेमैन ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना, डीएसएस मतलब डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड। इसके बाद देखिए क्रिप्टोग्राफी का कितना है, छह टेक्निक होता है क्रिप्टोग्राफी का। तो पहला होता है क्या, आरएसए, दूसरा क्या होता है आपका डेफी हेलमैन, तीसरा क्या होता है आपका एलिप्टिकल कर्व, चौथा क्या होता है आपका डीएसएस डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, उसके बाद पांचवा क्या होता है एगमेल, ओके, EIGMAL एगमेल टेक्नोलॉजी। छठवां क्या होता है LUC क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम नहीं है। तो देखिए आरएसए भी है, डेफी हेलमैन भी है, डीएसएस भी है, डीईएस कहीं नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीईएस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और विंडोज 10 भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑटोकैड तीनों से डिफर है, क्योंकि ऑटोकैड कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोकैड, ठीक है ना, ऑटोकैड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या, कंट्रोल प्लस, क्लियर नहीं होगा आपको, काफी छोटा दिख रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हिंदी वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा दिख रहा है। चलिए, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइंस एंड डायरेक्ट इट टू ए सिंगल आउटपुट लाइन इज नोन एज। देखिए
मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक सिंगल इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है ना, एक सिंगल इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन में सैम्पल कर देता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लेक्सर मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो गई, इन्हेंस्ड हो गई, मॉडिफाइड हो गई, ठीक है ना, रेक्टिफाइड हो गई। अब क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, डी मल्टीप्लेक्स करना है, ठीक है ना। मतलब अभी मल्टीप्लाई किया, अब डी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक डी मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, सिंगल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो वही पूछा गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर, है ना। ए कॉम्बिनेशन सर्किट दैट सेलेक्ट बाइनरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट लाइन डायरेक्ट इट टू सिंगल आउटपुट लाइन। तो आपको बहुत सी आउटपुट लाइन को सिंगल आउटपुट लाइन में कौन चेंज करता है, डी मल्टीप्लेक्सर। इनकोडर और डिकोडर क्या है फ्रेंड्स, इनकोडर डिकोडर क्या करता है, आपका जो आपका कैरियर वेव होता है, जो आपका कैरियर वेव होता है और आपका जो इन्फॉर्मेशन वेव होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कैरियर वेव को जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसके साथ इनकोड करता है और उसके साथ डिकोड भी करेगा, ठीक है ना, जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा इन्फॉर्मेशन तो सेंड हो जाएगा, रिसीव जो भी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 150, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू शेयर स्टोर डाटा परमानेंटली। इसमें ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डाटा को परमानेंट स्टोर करने में यूज की जाती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा, देखिए जो हमारी मेमोरी होती है, एम मेमोरी को मैं लिख रहा हूँ एम, वो मेनली दो टाइप की है, ठीक है ना। एक हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे पहले, प्राइमरी मतलब प्राथमिक सबसे पहले। उसके बाद हमारी क्या मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब सेकंड प्लेस पे है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो मेमोरी कौन सी आती है, प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहले जब आपके कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेस करना है, मान लीजिए उसे एडिशन करना है, तो सबसे पहले वो किस मेमोरी का यूज़ करेगा, वो प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करेगा। इसीलिए इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो यूज होती है, इसलिए क्या है, ये मेन मेमोरी है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये सीपीयू के आपके आपके सीपीयू के कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग सॉरी कंट्रोलिंग सॉरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के एकदम पास में होती है, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये आपका प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी रैम, ठीक है ना, और दूसरी होती है आपकी रोम। तो पहले हम रोम को देखते हैं, रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका यूज एक्चुअली क्या होता है, इसका यूज केवल सिस्टम को स्टार्ट करने, ये मेमोरी, इस मेमोरी में एक परमानेंट डाटा सेव कर दिया जाता है, ठीक है ना, एक परमानेंट डाटा सेव कर दिया जाता है, जो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इन्फॉर्मेशन, इस कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, स्टार्ट होने के बाद उसमें कौन कौन से आइकॉन दिखेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारी रोम में स्टोर होती है। और ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रीवियसली प्री रिकॉर्डेड डाटा यूज टू बी बूट कंप्यूटर, ठीक है ना। तो इसमें जो भी प्री रिकॉर्डेड डाटा है इसमें स्टोर होता है, कि ताकि कंप्यूटर को स्टार्ट किया सके, बूट किया सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके रोम में स्टोर होती है। इसके बाद आता है आपका रैम, ठीक है ना। तो रैम का यूज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, इरेजेबल मेमोरी है, मतलब जैसे ही इसका काम हो जाएगा, जैसे ही वो ऑपरेशन हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी से इरेज हो जाती है, ठीक है ना। अब बाकी इसके भी टाइप होते हैं, डी रैम, एस रैम, तो वो हम नहीं देखेंगे। और रोम के टाइम होते हैं, टाइप होते हैं इप रोम, प्री रोम, है ना, डबल ई पी रोम। तो ये सब आपको जरूरत पड़े तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कंप्यूटर, तो मैंने कहा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, वो क्या होता है, आपकी सारी मेमोरी वो क्या होती है, इरेज हो जाती है, आपका जो ऑपरेशन से रिलेटेड मेमोरी है वो इरेज हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में, इसी कारण। और ये सबसे पहले इसका यूज होता है, इस कारण इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी, मैंने उसके बारे में बता दिया, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, बूट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है, सॉरी रोम में होती है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी क्या करें, अब सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा स्टोर करके रखना है, फाइल कोई स्टोर करके रखना है हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर में, ठीक है ना, ताकि आप उसको बाद में प्रोसेस कर सकें, ताकि आप उसको बाद में प्रोसेस करें, उसके लिए एक अलग से सेकेंडरी मेमोरी बनाई जाती है। जैसे वो क्या होती है, हार्ड ड्राइव हो गई आपकी, ठीक है ना, आपकी कोई डिस्क हो गई, ठीक है ना, आपकी पेन ड्राइव हो गई। तो इस टाइप की मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि केवल इनका यूज क्या, किस लिए किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है तो ये आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं मे बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका इंग्लिश वाला वर्जन शायद नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हिंदी से ही काम चलाना पड़ेगा। डाटा संग्रहण के लिए मूल घटक के रूप में निम्नलिखित में डिजिटल परपथों में किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा स्टोर करने के लिए फंडामेंटल रूप से किसका, किस परिपथ का, किस सर्किट का यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है? देखिए मैंने अभी आपको ALU में क्या बताया था कि डाटा स्टोर करने का के लिए हम क्या यूज करते हैं, रजिस्टर, ठीक है ना। आपका अर्थमेटिक ALU क्या हो गया, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, डाटा कहाँ स्टोर होता है आपका, रजिस्टर में, ठीक है ना, रजिस्टर में स्टोर होता है। लेकिन जो आपका रजिस्टर होता है फ्रेंड्स, इस टाइप का जो आपका रजिस्टर होता है, यह रजिस्टर किससे बनता है, तो ये रजिस्टर हमारा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ये रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है और प्राइमरी मेनली डाटा फ्लिप फ्लॉप पर स्टोर होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से ही बना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। डाटा संग्रहण के लिए मूल घटक के रूप में किस कौन से डिजिटल परिपथ का उपयोग करते हैं, एक्चुअली मूल पूछ रहा है, मतलब बेसिक पूछ रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। जैसे आपका अगर 2-bit रजिस्टर होता है तो वो क्या होता है, उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है ना। काउंटर का यूज किस लिए किया जाता है, काउंटर का यूज देखिए फ्रेंड्स डायरेक्शन बताने के लिए होता है, कि है ना, इन्फॉर्मेशन की डायरेक्शन कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, ठीक है ना। गेट का यूज तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए गेट का यूज होता है, ठीक है ना, ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए गेट का यूज होता है। रजिस्टर आपका फ्लिप फ्लॉप से ही बना है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। काउंटर का मीन्स काउंटर आपका काउंट करने के लिए हो जाता है, कि कहाँ पे सिंक्रोनस है कहाँ पे असिंक्रोनस है, ठीक है ना। ये थोड़ा डीप लेप में मत जाइए, आप इतना समझ लीजिए कि डायरेक्शन काउंट करने के लिए आउटपुट का डायरेक्शन काउंट करने के लिए काउंटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और वहां पे हमने पढ़ा था पीसी काउंटर, तो पीसी काउंटर इससे थोड़ा डिफरेंट है। फ्लिप फ्लॉप मेनली डाटा स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता है। और आपके जो गेट्स हैं, तो गेट्स का यूज किस लिए किया जाता है, ऑपरेशन बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो कि कब ये इनपुट देंगे, कब 0 और 0 देंगे तो 1 आता है, ठीक है ना, किस टाइप के गेट में, तो ये सब ऑपरेशन हमारे कहाँ परफॉर्म होते हैं, आपके गेट में परफॉर्म होते हैं। तो बेसिक गेट कितने गेट होते हैं बेसिक, आपके फ्रेंड्स 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है ना। उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे गेट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, कि जैसे यहाँ पे आप कमरे में इंटर हुए, ठीक है ना, मान लीजिए एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरे में इंटर हुए आप, याद रखिएगा फ्रेंड्स गेट का यूज डाटा स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जैसे ही आप कमरे में इंटर हुए, आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, उसको दबाया, लाइट ऑन हो गई। अब आप अपने बेडरूम में गए, बेडरूम में अब आपको फिर से लाइट, अब आप सोने चले गए हो तो आपको फिर से लाइट क्या करना है, ऑफ करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने एक और स्विच लगा के रखा है अपने बेड के पास, जैसे ही स्विच को दबाएंगे तो आपका लाइट ऑफ हो जाएगा। तो आपको लाइट ऑफ करने के लिए इस स्विच के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन को, इस ऑपरेशन को करने के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, वो गेट जो होता है फ्रेंड्स, वो एग्जॉर गेट होता है फ्रेंड्स। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक कॉल आ रही है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपका फिर से, है ना, कहाँ पे थे। हाँ, तो ये इस टाइप का ऑपरेशन करने के लिए आपको किस गेट की जरूरत पड़ती है, एग्जॉर गेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाएंगे गेट वेट पढ़ने, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूचना सुरक्षा प्रबंधन मानक है फ्रेंड्स। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चन UPSC के थ्रू ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने डीप क्वेश्चन की नहीं आते, ये UPSC के थ्रू पूछे गए हैं, और UPSC के छोटे से एग्जाम, कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम नहीं था, ठीक है ना, उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूचना सुरक्षा प्रबंधक मानक है, तो इसके बारे में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सूचना सुरक्षा प्रबंधक मानक कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन सी, ISO 27001 क्या है, सूचना सुरक्षा प्रबंधक मानक है। ये किस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये किस टाइप की सिक्योरिटी की बात करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है हमारा, पीसी
पीसी डीएसएस जो होता है वो किस सिक्योरिटी की बात करता है? पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, ठीक है ना। इसके बाद होता है जो हमारा अगला टाइप का सिक्योरिटी होता है वो क्या होता है? हिप्पा। हिप्पा क्या बोलता है? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस के सब्जेक्ट को, मैटर को रेगुलेट करता है। उसके बाद जो हमारा अगला सिक्योरिटी है सोशल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। एक्चुअली ये सब साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है आपका ISO 27001, PCI DSS, ठीक है ना। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है हिप्पा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ये जो साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। इसके बाद एक होता है फिनरा। फिनरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेशन, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेशन के बारे में, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा जो कौन सा आपका स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, तो आप बता दीजिएगा फिनरा। कौन सा साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है? हिप्पा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, किस भंडारण युक्ति में ऑन विच स्टोरेज डिवाइस इज ट्रैक पैटर्न स्पाइरल? किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस में जो ट्रैक पैटर्न होता है वो स्पाइरल होता है, ठीक ना। तो देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसमें ट्रैक पैटर्न क्या स्पाइरल होता है? आपने देखा होगा जो मैग्नेट का टेप होता है वो तो ऐसे होता है ना, तो रेक्टेंगुलर होता है, तो वो स्पाइरल नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क कैसी होती है बताइए, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, मेन सॉरी पेन ड्राइव तो नहीं, पेन ड्राइव नहीं होगा आपको, मैग्नेटिक डिस्क नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है ना। तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो यहाँ पे तो स्पाइरल होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो उसका साइज, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जबकि जो हमारा फ्लॉपी डिस्क है, सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर वो ऑप्टिकल डिस्क होगा या फ्लॉपी डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क स्पाइरल होता है क्या? फ्लॉपी डिस्क स्पाइरल ट्रैक पैटर्न। चलिए अभी इसको चेक कर लेते हैं आपके सामने, स्पाइरल ट्रैक पैटर्न, स्पाइरल ट्रैक पैटर्न और स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क सर्च करते हैं, फ्लॉपी डिस्क। देखिए जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आपका फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? उसका स्पाइरल ट्रैक पैटर्न होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल डिस्क में जो उसका ट्रैक पैटर्न है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो स्पाइरल होगा, जबकि फ्लॉपी क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहीं पर कन्फ्यूजन हो रहा था फ्रेंड्स, तो आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। उसका इमेज याद रख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क का, कि ये वाला इमेज है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है ना। ये स्क्वायर टाइप का है फ्लॉपी डिस्क, यहाँ पे एक वो लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा इमेज से ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है, और ऑप्टिकल डिस्क स्पाइरल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, विच ओएसआई लेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ TCP/IP मॉडल? अब देखिए फ्रेंड्स, TCP/IP मॉडल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो देखिए जो TCP/IP मॉडल में, देखो जो नेटवर्किंग लेयर कितनी होती है, नेटवर्किंग लेयर का एक OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल में कितनी, मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है, ठीक है ना। जबकि आपके TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। तो 4 लेयर कौन कौन सी होती है, आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? 4 लेयर का नाम नीटा, नीटा नीचे से ऊपर है, ठीक है ना। नीटा मतलब नीचे से ऊपर है, तो कैसे? एन का मतलब यहाँ पे क्या है? नेटवर्क लेयर, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर, सबसे नीचे नेटवर्क लेयर। उसके बाद आई का मतलब क्या है आपके? इंटरनेट, इंटरनेट लेयर, ठीक है ना, इंटरनेट लेयर।
उसके बाद आपके टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ए का मतलब क्या है, एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर इंटरनेट, फिर एंड मतलब नेटवर्क लेयर। ये चार लेयर होती है आपके टीसीपी आईपी मॉडल में। अब ये पूछ रहा है कौन सी ओएसआई परत टीसीपी आईपी मॉडल का हिस्सा नहीं है। अनुप्रयोग परत मतलब एप्लीकेशन प्रयोग, एप्लीकेशन लेयर हिस्सा है। सेशन लेयर, ठीक है, सेशन लेयर किसका हिस्सा है, आपके ओएसआई मॉडल का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जो ओएसआई मॉडल की सेशन लेयर है वो टीसीपी आईपी का पार्ट नहीं है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन बी। नेटवर्क लेयर टीसीपी आईपी मॉडल का लेयर है, फिजिकल लेयर टीसीपी आईपी मॉडल का लेयर है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके ओएसआई मॉडल में कौन कौन सी लेयर होती हैं, आप गूगल करके थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, ताकि अगर ओएसआई मॉडल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन द्वारा सॉल्व किया जा रहा है और हम बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सी लैंग्वेज है जो जो इंटरप्रेटर है, मतलब जो इंटरप्रेटर का यूज करती है, ठीक है ना, एज ए इंटरप्रेटर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटर, तो कौन सी लैंग्वेज जो है उसमें इंटरप्रेटर है। देखिए फ्रेंड, जो सभी हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे आपकी फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, पास्कल है, पाइथन है, ये सब लैंग्वेज किसका यूज करती है, इंटरप्रेटर का, ठीक है ना। ये सब लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, जबकि जो बेसिक लैंग्वेज है हमारी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, ये किसका यूज करती है, कंपाइलर का यूज करती है। तो याद रखिएगा जो बेसिक लैंग्वेज है सी, सी प्लस प्लस और जावा, ये कंपाइलर का यूज करती है, ठीक है ना, कंपाइलर का यूज करती है। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना, ये सभी लैंग्वेज किसका यूज करती है, इंटरप्रेटर का, ठीक है ना। तो ये फोर्ट्रान हाई लेवल है तो इंटरप्रेटर होगा, पास्कल भी इंटरप्रेटर होगा, पाइथन भी इंटरप्रेटर होगा, सी बेसिक लैंग्वेज है तो ये किसका यूज करेगा, कंपाइलर का यूज करेगा। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश वाला सेक्शन ये है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको वो भी दिखे। ओके चलिए मैं इंग्लिश वाला सेक्शन डिस्कस कर देता हूँ, दोनों ही कर देता हूँ ताकि आपको दोनों दिखे, ठीक दिख रहा होगा मे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं 144 से, नेक्स्ट क्वेश्चन से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवाइस, कौन सा है, इसमें कौन सा है जो कंप्यूटर की कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवाइस है, तो काफी सिंपल है, फायरवॉल, ठीक है ना, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेज ड्रॉपिंग, इवेज ड्रॉपिंग इज अ कंप्यूटर फ्रॉड टेक्निक, ठीक है ना। इवेज ड्रॉपिंग एक कंप्यूटर फ्रॉड टेक्निक है, इवेज ड्रॉपिंग में क्या होता है हमें ये बताना है। तो लिसन टू प्राइवेट वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन, प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्डिंग टू द लेजिटिमेट यूजर, डिसेबल द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड डिलीट द डाटा। तो इवेज ड्रॉपिंग में क्या होता है, इवेज ड्रॉपिंग एक फ्रॉड है, मतलब एक फ्रॉड है जो आपका, मान लीजिए डाटा स्टीलिंग की टेक्निक है, डाटा चुराने की टेक्निक है, तो इस इवेज ड्रॉपिंग में क्या होता है, तो इवेज ड्रॉपिंग में क्या होता है, किसी के लिसन को, किसी के आवाज को, किसी के रिकॉर्डिंग को, आप अगर किसी के प्राइवेट टॉक को आप लिसन कर लेते हो, अगर जैसे मान लीजिए दो पर्सन यहाँ और यहाँ से बात कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से उनके उनके उनका जो इंफॉर्मेशन है, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उसको इंटरसेक्ट करके किसी भी मीडियम से अगर सुनते हो किसी भी डिवाइस को यूज करके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवेज ड्रॉपिंग। क्लियर है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है आपका, ऑप्टिकल माउस क्या आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, आपका प्रिंटर भी क्या है पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड भी क्या है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपका माउस पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, टच पैड आपका पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, जॉयस्टिक भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लीप मोशन एक होता है, लीप मोशन याद रखिएगा वो भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद एक स्टाइलस होता है, स्टाइलस STYLUS, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल माउस, प्रिंटर भी आपका, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, ऑप्टिकल माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रिंटर भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो हमारा क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलो और सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, सॉरी देखिए मैंने अभी क्या बताया, एक मिनट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स,
इसमें देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जो पॉइंटिंग डिवाइस पूछ रहा है, ठीक है ना। हमें पॉइंटिंग डिवाइस बताना है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इसमें कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है वो बताना, इसलिए तभी मैं कन्फ्यूज हो गया। प्रिंटर स्कैनर दोनों नॉन पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना, और टच पैड आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल माउस बोल रहा है, आप कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और कीबोर्ड बोल रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि माउस तो पॉइंटिंग डिवाइस है और कीबोर्ड ही पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल माउस के बारे में कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन इस यूपीएससी के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे कोई भी इस क्वेश्चन पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकता है बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अभी हमें सुटेबल आंसर देना है वो हम क्या देंगे, कीबोर्ड देंगे, ठीक है ना। लेकिन माउस, क्योंकि माउस ही पॉइंटिंग डिवाइस है तो माउस भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी हम इसलिए इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा, कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस पे हम चांस क्यों लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो इसमें कौन सा डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको पता होगा कि डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कुछ का नाम पता होगा, ठीक है ना। जैसे आपका ओरेकल है, आपका डाटा बेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। माई एस क्यू एल है, वो भी आपका डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेस है, वो भी आपका डाटा बेस सॉफ्टवेयर है। एम एस वर्ड क्या है, एम एस वर्ड का यूज तो हम खुद करते हैं ना अपने डेली लाइफ में। तो एम एस वर्ड क्या है, डाटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 148 इन अ कंप्यूटर सिक्योरिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाई ऑथेंटिकेटेड पार्टीज, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन है वो केवल जिसको ऑथेंटिकेशन है, जिसको अलाउ है, वही केवल एक्सेस कर पाए। ये किसके, ये बात कही जाती है, तो ये बात किसके अंतर्गत कही जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियली बोलते हैं, है ना। कॉन्फिडेंशियल से ही बना है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना। तो गोपनीयता हिंदी में बोलते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है, कॉन्फिडेंशियल लॉ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर, अभी हमने पढ़ा था कंपाइलर का यूज, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अभी ये पूछ रहा है कि ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नन ऑफ द अबव। तो कंपाइलर क्या है, याद रखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग को लगता है कंपाइलर क्या है, कंपाइलर नाम सुनने लगता है कि हार्डवेयर है, नहीं, कंपाइलर हो गया या इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है आपके, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, है ना, नहीं तो मे बी विजुअल नहीं हो सकता, वो नहीं होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैशे मेमोरी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप बोल सकते हैं पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन पीडीएफ में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वीडियो देख लीजिए, खत्म करिए एक बार सॉल्व करके, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है वो लिख लीजिए बस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैशे मेमोरी, इट इज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। देखिए कुछ लोग को कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि कन्फ्यूजन हो जाता है ब्रदर की वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, ठीक है ना। कभी कभी जब आप, अभी आपने पढ़ा है, अभी क्लियर है, लेकिन चार दिन बाद आप भूल गए तो आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। तो मैं थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूँ, जो मेरे हिसाब से आप अपना खुद का ट्रिक बना सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना, जो बोलता है, वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो बोलता है, जैसे ही आपने कुछ बोला तो आपने कुछ बोला, यहाँ पे साउंड जनरेट हुआ और कुछ देर बाद वो साउंड गायब हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कुछ देर बाद वो साउंड गायब हो गया, मेमोरी इरेस हो गई, वो क्या होता है, वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो आपके पास जो डाटा है वो सेव है, आपके पास डाटा सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही आपने बोला तो आपने बोला और कुछ समय बाद वो गायब हो गया। तो ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ही ये रह रहा है। तो वोलेटाइल मेमोरी मतलब जो जो जिसमें जहाँ पे डाटा टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, ठीक है ना, वो वोलेटाइल के अंडर आता है। और जहाँ पे डाटा परमानेंट होता है, स्टोर होता है, वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। तो इट इज, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैशे मेमोरी, इट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नो, कैशे मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना। इट इज अ स्लो रीड एंड इनएक्सपेंसिव, नहीं, स्लो नहीं है, कैसे मेमोरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव, काफी फास्ट और काफी महंगी है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओके, सो इट इज नॉट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज स्मॉल साइज, हाँ, इट इज ए स्मॉल साइज मेमोरी। जो आपका कैशे मेमोरी है वो काफी फास्ट होता है और काफी स्मॉल साइज होता है, ठीक है ना, और काफी महंगा भी होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री एंड फोर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, ये हिंदी वाला सेक्शन है, ठीक है ना,
इसको मैं कुछ देर के लिए थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी को भी हिंदी में दिक्कत हो तो बाद में वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी आप, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, अब आप वीडियो पॉज करके अगर आपको हिंदी वाला सेक्शन देखना हो तो आप देख लीजिएगा। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के वर्ड समझने में काफी आसानी रहती है, ठीक है ना। खासकर कंप्यूटर के या लेबर लॉ के वर्ड, इस टाइप के वर्ड समझने में काफी आसानी रहती है। तो चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अभी हमने पढ़ा जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो क्या है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ISO 27001 इज ए स्टैंडर्ड दैट रिलेट टू, अभी मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ISO 27001 इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, PCI DSS क्या होता है, डाटा डाटा सिक्योरिटी से होता है ना, क्रेडिट कार्ड से शायद ऐसा कुछ। उसके बाद आपका हिप्पा क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है आपका फिनरा क्या होता है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेशन। PCI DSS मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा जो आपका फ्लॉपी डिस्क है वो क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अभी मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क क्या है आपका, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और वो क्या होता है आपका, सॉरी ये स्क्वायर स्क्वायर शेप होता है इसका, ठीक है ना, स्क्वायर शेप होता है। चलिए अगले फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्वयं, एंड स्वयं ए प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ऑनलाइन कोर्सेस। तो देखिए स्वयं आपको पता चल रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेस से रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्वयं कब लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, और कौन से जो राष्ट्रपति थे, किस राष्ट्रपति ने स्वयं को लॉन्च किया था, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्वयं का फुल फॉर्म होता है, एस मतलब क्या होता है, स्टडी, डब्ल्यू मतलब होता है वेब, स्टडी वेब ऑफ, ए क्या होता है एक्टिव, वाई क्या होता है यंग, ए क्या होता है एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म ऐसे हो जाएगा, एस मतलब स्टडी वेव, डब्ल्यू मतलब वेव ऑफ, ए ऑफ ए मतलब सॉरी लर्निंग ऑफ यंग है, सॉरी स्टडी वेव ऑफ लर्निंग, सॉरी सॉरी स्टडी वे ऑफ एक्टिव, ठीक है, लिख ही देता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। एस मतलब स्टडी स्टडी, डब्ल्यू मतलब क्या, वेव वेव्स ऑफ वेव्स ऑफ ऐसा समझ लो, ए मतलब क्या एक्टिव एक्टिव, याद रखिए एक्टिव है एक्टिविटी नहीं है। वाई मतलब क्या, यंग, ए मतलब क्या एस्पायरिंग, एम मतलब क्या माइंड्स, ठीक है ना। तो स्टडी वर्ड्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वे ऑफ एक्टिविटी लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस, इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको पता करना है, ठीक है ना। देखिए ऑप्टिकल माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, ठीक है ना। अब आप बताइए इसमें कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सबको पता है, काफी सिंपल है, कोई भी कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका वेब ब्राउजर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड्रॉयड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग, सॉरी एंड्रॉयड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई, एंड्रॉयड को किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, इन्फोसिस। नो, इसको किसने किसने डेवलप किया एंड्रॉयड को, गूगल ने, गूगल ने, गूगल की स्पॉन्सरशिप से डेवलप हुआ है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ प्रोसेस इन प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट, देखिए लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, तो याद रखिएगा कोई भी प्रोजेक्ट पहले क्या होता है, न्यू होगा, फिर रेडी होगा, फिर वेट होगा, मे बी एक्सिक्यूट और टर्मिनेटिंग, लेकिन लास्ट में टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो किसके लास्ट में टर्मिनेटिंग नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब तीन ऑप्शन में हमें कंपेयर करना है,
न्यू, फिर देखो यहाँ पे वेटिंग पहले आ गया है, तो न्यू के बाद पहले ही वेटिंग नहीं करेगा, पहले रेडी होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, पहले न्यू कोई चीज़ क्रिएट होगा, कोई चीज़ क्रिएट होगा, कोई चीज़ न्यू क्रिएट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रेडी होगा एक्सक्यूशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद वो वेट करेगा एक्सक्यूशन के लिए, उसके बाद एक्सक्यूट होगा, उसके बाद फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज आर पार्ट ऑफ सीपीयू, इसमें कौन सा यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज आर पार्ट ऑफ सीपीयू, तो इसमें कौन सा सीपीयू का पार्ट है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट सभी सीपीयू, सीपीयू के पार्ट है, ठीक है ना। आपके मैंने आप मैंने बताया था आपके सीपीयू में क्या होता है, आपका एएलयू होता है, एएलयू होता है, फिर रजिस्टर होता है, फिर कंट्रोल यूनिट होता है, सभी आपके सीपीयू के पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ द एएससी सेकंड कोड विच इज द जनरली यूज इन कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम में ये कोड यूज किया जाता है आपने कई बार देखा होगा, ठीक है ना। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ए मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ए मतलब हो जाएगा अमेरिकन, अमेरिकन, माउस का यूज कर रहा हूँ इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिकन, एस मतलब क्या, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। उसके बाद क्या है हमारा सी, सी मतलब क्या, कोड, ठीक है ना। तो ए एस सी मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। देखिए ये अमेरिकन इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, वहीं वहीं से आया हमारे, कंप्यूटर हो गया ये फॉरेन, एक्चुअली ये तो एलन ट्यूरिंग ने बनाया था, है ना, वो इंग्लैंड के थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड बनाया वो अमेरिका ने बनाया, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये। किसके लिए ये कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है ना। और ये किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेटेड बाय IANA, किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, एएससी सेकंड इज ऑपरेटेड बाय IANA, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है IANA, ठीक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन काफी है, पीएचडी नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द टर्म दैट रिफर, फ्रेंड्स आप भी देखिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो कभी आप अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप वहां पे सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, अगर अगर आप एससी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी किसी में होता नहीं भाई, मैं तो अब पूरा इनसे ज़्यादा पढ़ के दिखाऊंगा, इनसे ज़्यादा जो है बताऊंगा, तो पीएचडी नहीं करना है। आप, मेरा सजेशन ये है कि आप वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है फ्रेंड्स। मैंने टाइम वेस्ट किया है, मैंने वीडियो बनाया है, अब आप टाइम वेस्ट मत करिएगा अपना। आप वीडियो देखिए जो भी 30 मिनट 40 मिनट का है, उसके बाद खत्म करिए। चलिए अगले क्वेश्चन 133 पे चलते हैं। द टर्म दैट रिफर टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर इन कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग इज, देखिए क्या बोल रहा है कि द टर्म दैट रिफर टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर टू कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग इज। देखिए जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, तो कौन सा टर्म है जो हेल्प करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, आप यहां से आइडिया लगा लीजिए ना, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो काम खत्म, ठीक है ना। स्टोरेज होगा नहीं, आपका हार्डवेयर होगा नहीं, इनपुट आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है, तो इस तरीके कॉमन सेंस लगा के आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 134, 1 TB ऑफ मेमोरी इज स्टोरेज इक्वल टू, सब जानते हैं 1 TB कितना होता है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया सपोर्ट हायर वेब हायर बैंडविड्थ, तो फ्रेंड्स आपको पता है आजकल फाइबर कनेक्शन आपने भी लिया होगा मे बी इंटरनेट का, नहीं है तो कोई बात नहीं। फाइबर जो ऑप्टिक केबल होता है उसका सबसे ज्यादा बैंडविड्थ है, इसीलिए तो फेमस हो रहा है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बैंडविड्थ है, ठीक है ना। कोएक्सियल केबल पहले का है, इसका कम बैंडविड्थ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल केबल तो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल्स तो आज तक लाइट ही जा रही है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा फाइबर केबल इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हिंदी वाला सेक्शन भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना, पढ़ना चाहेंगे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
हिंदी वाला सेक्शन, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है ना, इसलिए मैं स्लो स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, देख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं, यूनिवैक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यूनिवैक के बारे में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होगा, ठीक है ना। यूनिवैक क्या है, एक सुपर कंप्यूटर, सीरीज ऑफ कंप्यूटर है, इसका यूज़ क्या है, किसके लिए डेवलप किया गया है, यूनिवर्सल डेवलप फॉर कमर्शियल पर्पज, ठीक है ना, डेवलप फॉर कमर्शियल पर्पज, और इसका एक फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे क्या बोलते हैं, यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, किस लिए डेवलप किया गया, डेवलप फॉर कमर्शियल पर्पज, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर टाइप का है। तो एक वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, प्रथम सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर मैंने गलती से बोल दिया लगता है, ठीक है ना, तो ये सही है, ये इसका स्टेटमेंट सही है। इसका अर्थ यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, नहीं, इसका अर्थ यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं, इसका अर्थ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम के मस्तिष्क के रूप में सामान्यतः उल्लेखित किया जाता है, मतलब किसे कंप्यूटर सिस्टम का मस्त ब्रेन कहा जाता है, तो काफी सिंपल है फ्रेंड्स, सब बता देंगे, ठीक है ना, तो बताइए फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, सिंपल है, ALU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है ना, सॉरी CPU, यहाँ पे CPU भी लिखा है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्ट्रान के बारे में कौन सा कथन सही है, फोर्ट्रान क्या है, मैंने आपको बताया, हाई लेवल लैंग्वेज है, यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, यही सही है, एक ही ऑप्शन आपको फाइंड करना है, तो यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, तो यही सही है, आगे नहीं जाना, आगे मत पढ़िए। इसी इंटेलिजेंट कैमरा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में कौन सा है, भाई कैमरा के तो बहुत कार्य हैं, लेकिन बोल रहा है कि इंटेलिजेंट कैमरा का क्या कार्य है, तो मुझे ये लगता है इसका कार्य यही हो सकता है कि किसी विमान यात्री के शरीर में छिपे हुए संदिग्ध सामान का पता लगाना, ठीक है ना, तो ये राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका जो आंसर आपके कॉमन सेंस पे बेस करता है भैया, तो आप अलग तरीके से सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए जो हमारा अगला सेक्शन है, ये हिंदी वाला सेक्शन है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैंने पिछला स्लाइड हिंदी से डिस्कस कर किया है, ठीक ना, अब इसको मैं इंग्लिश से डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि दिख जाए, है ना, नहीं तो फिर काफ़ी छोटा हो जाएगा, जो लोग मोबाइल से देखते हैं तो फिर नहीं दिख पाएगा, प्रॉब्लम होगी दिखने को, तो दिख जाएगा, कितना बड़ा वीडियो हो गया एक बार चेक कर लेते हैं, एक्चुअली शायद ये लास्ट पेज है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 144, मेमोरी स्टोरेज इज कॉल्ड वोलेटाइल इफ डाटा स्टोर्ड आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ सच ए मेमोरी इज रोम रोम इज नॉट रोम इज नॉन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मैंने आपको बताया था, रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है ना, बताया था मैंने आपको, रोम से ही क्या बनता है, रोम से ही आपका प्रोम बनेगा, रोम से ही आपका एप्रोम बनता है, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैम है। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट बाय कनेक्टिंग टू ए टेलीफोन लाइन मॉडेम, टेलीफोन लाइन बी ए मॉडेम, तो देखिए टेलीफोन लाइन बी ए मॉडेम, आप टेलीफोन लाइन को क्या आप कंप्यूटर में कनेक्ट कर दोगे तो क्या इंटरनेट चलने लगेगा, टेलीफोन लाइन बी ए मॉडेम, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको लीव करेंगे, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, हिंदी वाला वर्जन इधर दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीट की ज़्यादा आपको एक्सेल सीट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नोन एज अ परमानेंट स्टोरी, रैम, रोम, कैशे, कैरेक्टर एड्रेसेबल मेमोरी, तो देखिए रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है, रोम क्या है, रोम में देखिए रोम में प्री रिकॉर्डेड होता है, कोई भी जो डाटा होता है इन्फॉर्मेशन होती है प्री रिकॉर्डेड होता है, मैंने आपको बताया तो ये क्या है परमानेंट है, प्री रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रोम, क्योंकि कैशे मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल है, कैरेक्टर एड्रेसेबल मेमोरी, तो ये भी कि रजिस्टर, ये तो रजिस्टर से बने होते हैं, तो रजिस्टर में तो और रजिस्टर भी तो नॉन वोलेटाइल ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ए मॉनिटर, मॉनिटर में रिजोल्यूशन होता है, सही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सही बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्कैन रेट होता है, स्कैन रेट मतलब फ्रेम रेट होता है, स्कैन रेट मतलब फ्रेम रेट होता है,
बैंडविथ मॉनिटर से रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज, रिजिडिटी। एक्यूरेसी भी कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक्योर होना चाहिए। स्पीड भी कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक है, स्टोरेज भी, रिजिडिटी नहीं। कंप्यूटर अगर ज़्यादा मजबूत नहीं चलेगा, कंप्यूटर के ऊपर हमें ट्रक नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना, तो कम रिजिड होगा तब भी चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी स्टोर 2 की पावर 20 वर्ड ऑफ 8 बिट लेंथ इच। ओके, दिस इज अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर क्वेश्चन, सॉरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इफ यू आर श्योर एंड इफ यू नो द आंसर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू कैन कमेंट, यू कैन कमेंट, ओके, यू कैन मैंशन इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप कर दीजिएगा मेरे को, या फिर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, सबको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मे बी दिस वॉज द लास्ट पेज ऑफ दिस स्लाइड। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। अगर पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं पसंद आया तो बिल्कुल डिसलाइक करिए। या एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा फंबल हो जाता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ इसलिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने एक प्लान किया है कि मैं पॉलिटी का जो हमारा पॉलिटी है जो EPFO के लिए जितना रेलिवेंट है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिटी तो बहुत बड़ा है। आपने में भी लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट है जो भी, और मैं वही टॉपिक कवर करूंगा। एक पॉलिटी का लेक्चर बनाने की सोच रहा हूँ, मैराथन लेक्चर 6 आवर का, 6 घंटे के आसपास। तो उसमें सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे वही टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक 6 आवर का मैराथन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वो जल्दी ही बनाऊंगा, मे बी अगले हफ्ते के आसपास, सैटरडे संडे को आ जाएगा। जिस दिन आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी अगर आप पसंद करेंगे तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेवर गिव अप फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून ऑन, ओके। तो एक बार और बोलना चाहूंगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नेवर गिव अप, ओके, थैंक यू।